प्यारे बच्चों, इसमें रोटेशनल मोशन टॉपिक के हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशंस हमने बताया था, सभी इक्वेशन हमने बता दिया था। रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशंस आर वैलिड फॉर कांस्टेंट एसलेशन एंड रिटार्डेशन। उसमें जो अल्फा होना चाहिए वह कांस्टेंट होना चाहिए, उस पर भी हमने क्वेश्चन ही कराया है। एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आज स्टडी कर लें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी स्टडी कर लें, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे कोई बॉडी मोशन करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। कोई बॉडी अगर रोटेट करता है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब बॉडी रोटेट करेगा तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया चलेगा, तो यम के स्थान पर हो गया आई और वी के स्थान पर एंगुलर वेलोसिटी। जो श्री कृष्ण भगवान का जो चक्र है वो जब रोटेट करता है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, और जब वो चक्र जाता है आगे तो वही एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो अपना काम करता है और काम करके वो चक्र वापस भी आ जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान के चक्र जब रोटेट करता है तो उसमें कितनी एनर्जी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई बॉडी रोटेट करेगा किसी एक्सिस के अबाउट तो उसमें एनर्जी होगी, यानी उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई होगा जिस एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है या एक्सिस है, और एक हम यहां पर कोई बॉडी बना दिए, कोई भी एक जनरल बॉडी, कुछ भी हो सकता है, डिस्क, सिलेंडर, स्फेयर, रॉड, कुछ भी हो सकता है। इस पॉइंट के अबाउट ये पियोटेड है, यहाँ पर पियोटेड है, मतलब इसी के अबाउट इसको एक्सिस बना दिया गया, और ये बॉडी ढेर सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा। ठीक है, और यह है इसका एक्सिस, इसमें इस बॉडी को अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगा। जो रोटेट करेगा तो इसमें एनर्जी होगी, और कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे यहां पर एक पार्टिकल हम मान लें, पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल, ढेर सारे पार्टिकल होंगे, पूरा बॉडी पार्टिकल से भरा होगा। जैसे इस पार्टिकल का मास हमने m1 मान लिया, इस पार्टिकल का मास m2, इस पार्टिकल का मास m3, इस पार्टिकल का मास mn, nth पार्टिकल। ठीक, और ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल, इसका इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, इसको कह लेंगे r1। यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2, इसका ये डिस्टेंस हो गया R3, और इसका हो गया nth पार्टिकल का Rn। इस बॉडी को जब रिलीज करेंगे तो ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगा, तो रोटेट करके अगर ये इस पोजीशन पर आ गया, ये आ गया इस पोजीशन पर, तो सारे जितने पार्टिकल हैं बॉडी में, जितने पार्टिकल हैं, ये रोटेट करके इस पोजीशन पर आ गया, ये यहां आ गया, देख रहे हो, सब का सब रोटेट कर गए, और सब में क्या आ गई बेटा, वेलोसिटी आ गया सब में। जब ऐसे मूव करेगा तो सारे पार्टिकल में वेलोसिटी आ गई, जब वेलोसिटी आ गई तो उसमें क्या हो गया, एनर्जी आ गया। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उसी को जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया और ओमेगा में कन्वर्ट कर देंगे तो वो कहलाएगा इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो बॉडी है इस समय, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, सब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी इसकी डेवलप होगी, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर
ऐसे सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ऐसे थर्ड पार्टिकल का लिख लें हाफ एम थ्री वी थ्री स्क्वायर, और ऐसे ही nth पार्टिकल का लिख लें, ठीक है। अब देखा जाए तो इसमें हाफ कॉमन हो गया, चलो भाई हाफ कॉमन ले लिया, तो ये m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर m3 v3 स्क्वायर प्लस man vn स्क्वायर हाफ m1। और ये भी जानते हो कि v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल का, यहां x से r1 डिस्टेंस पर है, अच्छा ओमेगा सबका सेम होगा क्योंकि सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो v1 को हम लोग लिख देंगे r1 ओमेगा, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा से, तो हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m2 v2 को लिख देंगे r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया हाफ। कॉमन देख रहे हो क्या है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो ये बच गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया। अब तुम बताओ m1 r1 स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल की हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, m2 r2 स्क्वायर सेकंड पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ऐसे m3 r3 स्क्वायर थर्ड पार्टिकल के लिए, mn rn स्क्वायर nth पार्टिकल के लिए, तो ये सबकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, यानी इसको सबको सम कर दो तो इस पूरे बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट निकल आएगा। अब ये भी खास बात है कि ये अब कोई भी बॉडी हो सकता है, ये नहीं कि रॉड के जैसे हम बनाए हैं तो रॉड ही के जैसे होगा, तो इस तरह से ये हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया जिस एक्सिस के अबाउट वो बॉडी पिवोटेड है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो मोमेंट काइनेटिक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी यह आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये एकदम वैसे ही है जैसे हाफ एम बी स्क्वायर होता है, वैसे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, जूल इसका यूनिट होगा क्योंकि एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट तो जूल होता ही है, तो ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक बेटा। जो बॉडी में ओमेगा आता है, एंगुलर वेलोसिटी जब बॉडी में आता है, जितना ही ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। बॉडी में जब टॉर्क लगाया जाता है तो बॉडी का ओमेगा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो चलो इसको कंप्लीट करो बेटा, फिर मिटाते हैं, अब क्वेश्चन कराते हैं। जब क्वेश्चन हम सॉल्व कराने चल रहे हैं तो उसमें जो पिछले लेक्चर में हम लोग रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए और रोटेशनल एनर्जी यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व किया जाए,
नाइन नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर नाइन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स गिवन एक्सिस इज 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1500 जूल फ्रॉम रेस्ट एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड 4 सेकेंड 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। खैर, एक बॉडी है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, 1500 जूल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो प्राप्त कर ले रहा है जब उस पर एंगुलर एक्सेलरेशन 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का अप्लाई किया जा रहा है, तो उतनी एनर्जी वो कितने समय में प्राप्त कर लेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, गिवेन मोमेंट ऑफ इनर्सिया बॉडी 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये दिया है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसका जीरो है, रेस्ट से रोटेट करना प्रारंभ करता है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो प्राप्त कर ले रहा है कितना, 1500 जूल का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर ले रहा है, कब, जब उस पर एंगुलर टार्क लगा रहे हैं जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन जो डेवलप कराया जा रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो से बढ़ा करके वो इतनी एंगुलर वेलोसिटी कर ले रहा है कि उसकी एनर्जी हो जा रही है 1500 जूल, मोमेंट ऑफ इनर्सिया 1.2 है, तो कह रहा है ऐसा कितने समय में होगा, कितने समय में वह एंगुलर एक्सेलरेशन इतना प्राप्त कर लेगा। ऑप्शन दिया है 2 सेकेंड, फिर दे रहा है 4 सेकेंड, नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा 8 सेकेंड, इसके बाद है 10 सेकेंड। ठीक है, तो क्या हम लोग को करना है, देखो इस ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करके हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम लोग ये फाइंड कर लें कि उस समय बॉडी की कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, और जैसे एंगुलर वेलोसिटी आएगा, शुरू के एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, अल्फा पता है, टाइम फाइंड करने के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन लगा देंगे, यानी ओमेगा फाइंड करने के लिए पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करें जो आज हम लोग पढ़े। तो इसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से आ गया ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 2k/i, देख रहे हो, तो हो गया रूट ओवर 2, k का वैल्यू है 1500, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1.2, तो इसको सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा 2500, रूट ओवर 2500 सॉल्व करके देख लो, और 2500 का रूट हो जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड, ये जब इतना ओमेगा प्राप्त कर लेगा एंगुलर वेलोसिटी तब उसकी एनर्जी हो जाएगी कितनी, 1500 जूल, यानी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी जीरो से बढ़ करके इतना हो गया, कितना 50, और अल्फा पता है, टाइम फाइंड करना है, तो अब तुम लगा दो बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन, रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन क्या बताए थे, रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अरे वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाले फॉर्मूले से, देखो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा कितना है 50, ओमेगा नॉट जीरो, अल्फा है 25, टी फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू आ गया 50/25, तो टाइम आ गया कितने सेकेंड, 2 सेकेंड, यानी वह बॉडी 2 सेकेंड में अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा करके 1500 जूल कर देगा, क्योंकि उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो चुकी रहेगी 50 रेडियन पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से ओमेगा फाइंड कर लिया,
फिर काइनेमेटिक इक्वेशन जो पिछले लेक्चर उन्होंने बताया था उसके हेल्प से ओमेगा नॉट को जीरो करके देखो टी फाइंड कर लिया, जो 2 सेकेंड आंसर आ रहा है, जो ऑलरेडी यहाँ पे देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन दिया भी है। तो देख रहे हो कैसे काइनेमेटिक इक्वेशन यूज होता है, कैसे रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल का 9 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट करो इसको। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेना बेटा, एकदम यही लैंग्वेज है, वैल्यू थोड़ा सा चेंज है। लास्ट पेज का 74 नंबर क्वेश्चन आईआईटी मेंस 2019 में एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 74 आप लोग सॉल्व कर लेना। सेकंड लेवल से सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। सेकंड लेवल से क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेकंड लेवल, ए व्हील इनिशियली एट रेस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्हील है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट रोटेटेड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगल एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है। व्हील रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा इन फर्स्ट 1 सेकेंड एंड थ्रू एन एडिशनल एंगल थीटा 2 इन नेक्स्ट 1 सेकेंड। तो थीटा 2 और थीटा 1 का रेशियो पूछ रहा है। तो बेटा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से जो रोटेट करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करके ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा 1 कितने सेकंड में, 1 सेकेंड में, और नेक्स्ट थीटा 2 यह है नेक्स्ट 1 सेकेंड में। ध्यान दो इस बात को, यानी शुरू में 1 सेकेंड में थीटा 1 रोटेट कर रहा है और अगले 1 सेकेंड में थीटा 2 रोटेट कर रहा है, यानी 2 सेकेंड में वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 रोटेट कर रहा है। तो कह रहा है कि थीटा 2 और थीटा 1 का क्या बताओ, रेशियो बताओ। तो ऐसा नहीं है कि ये भी 1 सेकंड में थीटा 1 है तो अगले 1 सेकंड में थीटा 2 उतना बराबर चलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन है, शुरू में थीटा 1 कम चलेगा, बाद में थीटा 2 का वैल्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन है। वो रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करोगे तो यहां पर चूंकि एक्सेलरेशन दिया है तो थीटा 2 का वैल्यू थीटा 1 से ज्यादा आता है। और ऑप्शन देखो दिया है, ये रेशियो दिया है 4, इसके बाद ये रेशियो दिया है 2, 3 और 1। तो सॉल्व करो, अप्लाई कर दो, जैसे होता है फॉर्मूला वी स्क्वायर इजक्वल टू एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी तरह से यहां पे काइनेटिक इक्वेशन थीटा इजक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। काइनेमेटिक इक्वेशन में यह फॉर्मूला हमने बताया था पिछले लेक्चर में। तो 2 इक्वेशन बनाओ, पहले थीटा 1 के लिए, तो थीटा 1 इज इक्वल टू रेस्ट से रोटेट करना प्रारंभ कर रहा है और एक्सेलरेशन को अल्फा मान लो, अब कितने सेकंड में, 1 सेकंड, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो हो गया थीटा 1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब अगले 1 सेकंड में थीटा 2 रोटेट कर रहा है, तो अगले 1 सेकंड का तुम इक्वेशन नहीं बना पाओगे,
क्योंकि अब अगले एक सेकंड का बनाने के लिए फिर वहां के एंगुलर वेलोसिटी फिर निकालो, उससे अच्छा तुम क्या करो फिर शुरू से इक्वेशन बनाओ। शुरू से इक्वेशन बनाओगे तो वन सेकंड मिलके बेटा 2 सेकंड हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू। सोचो इस बात को। तो अब थीटा के स्थान पर रख दो थीटा वन प्लस थीटा टू, ये वैल्यू 0 प्लस हाफ अल्फा और हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इससे आ गया थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू 4। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब तुम क्या करो, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू अपान थीटा वन, और यहाँ डिवाइड करोगे तो हाफ अल्फा से हाफ अल्फा कैंसिल होकर के 4/1 आ गया। अब क्या करो कि इसको डिवाइड कर दो, तो थीटा वन अपान थीटा वन इक्वल टू 1, और इसको डिवाइड कर दो तो हो गया थीटा 2/1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ गया थीटा 2/1 इक्वल टू 4-1 इक्वल टू 3। बताओ रेशियो पूछ रहे हैं थीटा वन थीटा टू का, क्या रेशियो आएगा? 3 रेशियो आएगा। मतलब थीटा टू थीटा वन का कितने टाइम्स ज्यादा है? 3 टाइम्स ज्यादा है। क्यों बेटा ज्यादा है बताओ, क्यों वो ज्यादा है? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है मोशन में, तो शुरू में एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, इसलिए बाद में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो थीटा टू थीटा वन का 3 टाइम्स होगा, थीटा 3 थीटा 1 का 5 टाइम्स होगा, थीटा 4 थीटा 1 का 7 टाइम्स होगा। तो 1, 3, 5, 7, 9 का ये रेशियो चलता है, 8 रेशियो चलेगा एक डिफिनेट टाइम इंटरवल में। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेटा 8 रेशियो चलेगा, 1, 3, 5, 7 का रेशियो, इसलिए थीटा 2 थीटा 1 का 3 टाइम्स आया है। इसी तरह से कहता कि अगले एक सेकंड में अगर थीटा 3 चल रहा है तो थीटा 3 थीटा 1 का कितने टाइम्स होता? तो 5 टाइम्स होता, क्योंकि इसका रेशियो 1, 3, 5, 7, 9 का रेशियो चलता है, एकदम वैसे ही जैसे काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग मैकेनिक्स के सेकंड टॉपिक में पढ़े थे कि डिफरेंट टाइम इंटरवल में बॉडी के द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1, 3, 5, 7 दैट इज 8 रेशियो होता है। तो आंसर तो ऐसे ही दिख रहा था, बट हमने सॉल्व कराया जिससे काइनेमेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन समझ में आवे, और ये इसका आंसर है, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। 1st लेवल का क्वेश्चन है। फोर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन ऑफ 1st लेवल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट 2016 में पूछा भी गया है, देखो यहाँ लिखा भी है। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट ए डायमीटर। डायमीटर को सॉलिड स्फीयर का डायमीटर मेन एक्सिस होता है। इस सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस इज आल्सो रोटेटिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब देख लो, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन पूछ रहा है, यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, उसके रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी
अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर. कौन सा सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर. ठीक है, स्पष्ट लिखा है सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी को ई से ये इंडिकेट कर रहा है. चलो ई से इंडिकेट कर लो सॉलिड स्फीयर अपान ये सिलेंडर जो है ये सॉलिड सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर तो दो प्रकार का होता है ना, हॉलो और सॉलिड. अच्छा मान लो क्वेश्चन में जैसे सॉलिड ना लिखा हो, बस लिख दे स्फीयर, बस लिख दे सिलेंडर, तो याद रखना सॉलिड मान के चलना, क्योंकि हालो होता है तो हालो जरूर लिखता है, और नहीं कुछ लिखा है तो सॉलिड मान के चलना चाहिए. तो इनकी एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, लेकिन स्पष्ट कह रहा है कि इसमें एक का एंगुलर वेलोसिटी दूसरे का क्या है, डबल है. अब ऑप्शन जो दिए हैं ये दिए हैं टू और थ्री का रेशियो, इसके बाद से वन और फाइव का रेशियो, वन और फोर का रेशियो, और थ्री और वन का रेशियो. और इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्वेश्चन में कह रहे हैं द एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर. सिलेंडर का एंगुलर स्पीड स्फीयर के एंगुलर स्पीड से ट्वाइस है, तो अप्लाई कर दो हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर अपॉन हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर. हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया. आई वन मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, याद करो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्सिया टू अपॉन फाइव एम आर स्क्वायर. ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का मास और रेडियस सेम है, इसलिए जो मास और रेडियस इसका रखोगे वही इसका भी रखोगे. तो ये आ गया, और एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा अपान सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिस्क के बराबर होता है, तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्सिया हाफ एम आर स्क्वायर. क्या गया बेटा, हाफ सेम मास है सेम रेडियस है, बट क्वेश्चन स्पष्ट लिख रहा है कि सिलेंडर का एंगुलर वेलोसिटी स्फीयर से डबल है, तो यहां टू ओमेगा लिखो. तो यहां से देखा जाए तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया टू अपान फाइव, ये पलट जाएगा तो आ जाएगा टू अपान वन, और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू का स्क्वायर फोर आ गया, टू इंटू टू ये सब कैंसिल आउट हो गया, और बच गया वन अपान फाइव, यानी वन और फाइव का रोटेशनल एनर्जी का रेशियो है. देखो वन और फाइव का रेशियो. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एकदम आसान है, देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अप्लाई करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसमें कि सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्सिया और स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्सिया का ये क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहे हैं, तो दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी देखो पता होना चाहिए. एंगुलर वेलोसिटी इसका वाला इसके क्या दिया है, डबल दिया है. ये आंसर देखो इसमें आ गया, जो कि रोटेशनल एनर्जी का फार्मूला यहां पर अप्लाई करना पड़ा. ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है वर्क डन बाय द टॉर्क के द्वारा क्या वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क डन एकदम वैसे ही होता है जैसे वर्क डन इज़ इक्वल हम लोग पढ़ते हैं ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां भी वर्क डन यही होगा. फोर्स के स्थान पे टॉर्क हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट के स्थान पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क के द्वारा वर्क डन टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आ जाएगा वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क टाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। वर्क डन है इसलिए यूनिट होगा जूल। अच्छा अब बताओ, मान लो जो टार्क हो वो वेरिएबल हो, यहां टार्क बेटा कांस्टेंट होता है, वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहां अप्लाई होता है जहां फोर्स कांस्टेंट हो, और अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वहां पर जब वर्डन निकालते हैं तो वर्क पावर एनर्जी में हमने बताया था कि इंटीग्रेशन से आता है। तो अगर मान लो जो टार्क है ये थीटा का फंक्शन है, अगर टार्क चेंज हो रहा है तब जो वर्क डन आएगा एकदम वर्क पावर एनर्जी में जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, याद आ रहा है एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू, तो एफ का आंसर हो जाएगा टाउ डी थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। देख रहे हो ये भी, इसका भी यूनिट जूल होगा। तो एक खास बात कि ये तब अप्लाई होगा जब टॉर्क कांस्टेंट होगा, और ये तब अप्लाई होगा जब टॉर्क थीटा का फंक्शन वेरिएबल होगा, और इस टाइप का फॉर्मूला फोर्स के लिए वर्क पर एनर्जी में बताया गया, वही तो यहां भी है। इसके बाद से कांसेप्ट आएगा पावर, पावर डेवलप्ड बाय द टॉर्क, टॉर्क के द्वारा पावर डेवलप्ड। तो कैसे हम लोग पढ़े हैं वर्क पावर एनर्जी में, पावर पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहां फोर्स के स्थान पे लिख दो टॉर्क टाउ और वी के स्थान पे ओमेगा, तो टाउ इनटू ओमेगा इज पावर। बोलो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो यहां भी वर्क डन अपॉन टाइम होगा, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो यहां होगा टाउ इनटू ओमेगा, ये हो जाएगा क्या एंगुलर वेलोसिटी। तो इस हिसाब से यहां पर देखा जाए पावर डेवलप्ड बाय द टॉर्क दैट इज पी, तो यहां पे आ जाएगा पावर, पावर पी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स के स्थान पे आ जाएगा टॉर्क टाउ और ये हो जाएगा बेटा ओमेगा। देख रहे हो, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। तो फॉर्मूला एकदम से जैसे वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे वही फॉर्मूला देखो यहां भी है, पावर इज इक्वल टू टॉर्क टाउ इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी का स्थान पे टाउ इनटू ओमेगा, और इसका यूनिट क्या होगा, वाट इसका यूनिट होगा। तो देखा जाए तो कॉन्सेप्ट एकदम से वर्क पावर एंड एनर्जी के जैसे कॉन्सेप्ट है, वर्क पावर एनर्जी के जैसे। अब यहां पर अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखें, इसको मिटाते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12, टू मेंटेन ए रोटर एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड, एक रोटर है उसके स्पीड को 200 रेडियन पर सेकेंड मेंटेन करना है। तो चलो ओमेगा लिख लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 200 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया ओमेगा। एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर, जो टॉर्क चाहिए वह 180 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए। तो व्हाट इज पावर रिक्वायर्ड टू द इंजन, देख रहे हो कितना इंजन को पावर रिक्वायर्ड है, पावर देखो पूछ रहा है, पावर पी। एनसीईआरटी के तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये चूंकि रोटेशनल मोशन का पावर है इसलिए यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो परेशान नहीं होना है, एकदम वही फॉर्मूला अप्लाई करो जो वर्क पावर एनर्जी में हमने बताया था, अभी भी हमने बताया। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, तो फोर्स के स्थान पर लिख दो टॉर्क और वेलोसिटी का स्थान पर बेटा एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क दिया है 180 और एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा कितना 200, तो यहां जाएगा पावर पी। पावर पी इज इक्वल टू 36,000 वाट, देख रहे हो, या लिख सकते हो 36 किलो वाट। भाई 1000 जो है ना इसको तुम किलो लिख दो तो ये आ गया बेटा पावर। पावर इज इक्वल टू 36 किलो वाट। तुम देखो वहीं पर इसका आंसर दिया हुआ है, यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें बेटा पावर पूछ रहा है। जिस तरह से पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला बताया गया था वही फॉर्मूला यहां भी है, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसका आंसर आएगा 36 किलो वाट। क्लियर हुआ? तो इस तरह से देखा जाए तो आज छोटे छोटे कई कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उस पर क्वेश्चन करा दिया, काइनेमेटिक इक्वेशन पिछले लेक्चर हमने बताया ही था, पावर का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, तो कई कॉन्सेप्ट यहां से आज क्या हो गए, फिनिश हो गए। इसी तरह से एक रिलेशन और होता है, ये भी रिलेशन याद रखो, एकदम जैसे वर्क पावर एनर्जी में हम लोग रिलेशन पढ़ते थे, लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो उसी तरह से यहां पर क्या होता है ना कि एंगुलर मोमेंटम देखो होता है, एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल टू रूट ओवर 2m के स्थान पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन है, जे इज इक्वल टू रूट ओवर 2i इंटू के। जिस तरह से वर्क पावर एनर्जी में हमने बताया था पी इज इक्वल टू रूट ओवर 2m के। ठीक, अब इस टॉपिक में लास्ट का एक पॉइंट अभी और बचा है और वो है रोलिंग ऑफ बॉडीज। अभी तक बॉडी का क्या करते थे, लीनियर मोशन पढ़ते थे, बॉडी को रोटेशन कराते थे, लेकिन अब इस टॉपिक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग को रोलिंग पढ़ना है। रोलिंग में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों मिक्स होता है, दोनों मोशन मिक्स होता है, तो बॉडी रोल करता है। जितने रोड पे तुम देखते हो कि जो व्हीकल्स मोशन करती हैं, व्हीकल्स चलती हैं, उनके जो व्हील होते हैं वो रोलिंग मोशन करते हैं। तो इस टॉपिक में अब हम लोग को रोलिंग पढ़ना है, रोलिंग पढ़ने के बाद से उसी बॉडी का इंक्लाइन प्लेन पे भी रोलिंग पढ़ा जाएगा। तो लास्ट पॉइंट इस टॉपिक में रोलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर आएगा ग्रेविटेशन टॉपिक। ठीक बेटा, खूब मैंने आप लोग पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।